ट्रेन आ रही है नई दिल्ली से चलकर कालका को जाने वाली, उसी को पकड़ने के लिए सब पैसेंजर नीचे उतर गए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। ये देखिए वैग 12 जा रही है पीछे, और हम लोग कहाँ थे, हाँ सॉरी, हम लोग स्वागत करता हूं आप सभी का एक और नई ट्रेन जर्नी में। तो आज हम लोग जर्नी करने वाले हैं ट्रेन नंबर 11058 अमृतसर मुंबई CSMT एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना चलती है अमृतसर से, लेकिन हम लोग इस ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं सोनीपत रेलवे स्टेशन से। सो हम लोग प्लान था अमृतसर से करने का, लेकिन अमृतसर से इसका जो चलने का टाइम था सुबह के 9:00 में, तो मुझे लगा शायद ट्रेन मिस हो जाएगी, इसके वजह से हम सोनीपत से ट्रेन को बोर्ड करने वाले हैं। तो हम लोग अगर सोनीपत रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर टोटल अभी 5 प्लेटफॉर्म है, और रोजाना 52 ट्रेनें आकर हॉल्ट होती है। 6 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। सोनीपत पड़ता है हरियाणा के नॉर्दर्न रेलवे जोन में, डिवीजन हो गया दिल्ली, और सोनीपत में अपनी गाड़ी का जो आने का टाइम है वो है 6:45 और अभी 5:25, तो लगभग अभी 1 घंटे से ज़्यादा अपने पास समय है। चलते हैं 1 प्लेटफॉर्म पर जहाँ पर अपनी गाड़ी आने वाली है। अपनी ट्रेन को अभी तक LHB रेक्स नहीं दी गई है, वही ICF रेक्स के साथ अभी चलती है ट्रेन। तो 56 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड के साथ जो है ट्रेन चलेगी। मैं क्रॉसिंग दिखाने जा रहा हूँ अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस का। ये थी नई दिल्ली अमृतसर शताब्दी एक्सप्रेस। एक और क्रॉसिंग दिखाना है अम्बंदौरा नई दिल्ली वंदे भारत एक्सप्रेस का, जो कि अम्बंदौरा से आ रही है नई दिल्ली को जा रही है, सोनीपत से भी क्रॉस होने वाली है। आ रही है अपनी वंदे भारत। भाई ट्रेन आने में 15 मिनट का समय है, जर्नी की शुरुआत करते हैं, पता चला क्रॉसिंग दिखाते दिखाते अपनी 5-10 मिनट की वीडियो पूरी बन जाएगी। निर्धारित समय से 25 मिनट की देरी के साथ अपनी दादर एक्सप्रेस आ चुकी है। भुसावल शेड का WMP 4 लोकोमोटिव लगा हुआ है। दोस्तों ये आज का कोच S7। अंदर चलते हैं। यहाँ से चलते हैं अंदर। ये है अपना बर्थ S48 नंबर साइड पर। दोस्तों अपनी ट्रेन अभी आदर्श नगर दिल्ली में खड़ी है, नई दिल्ली में ट्रेन पूरी फुल हो जाएगी। नई दिल्ली आएगा लगभग 9:00, क्योंकि ट्रेन अपनी जो है ना लगभग 40-45 मिनट लेट हो चुकी है। थोड़ा सा आराम करता हूँ, ट्रेन की वजह से ना पूरा थक गया हूँ, सही में ट्रेन का इंतजार कर रहा था। ट्रेन अपनी खाली है लेकिन दिल्ली में पूरी पैक हो जाएगी ट्रेन अपनी। भाई नई दिल्ली आ गई ट्रेन, और ट्रेन लगभग पूरी खाली हो चुकी है नई दिल्ली में, और अभी ट्रेन जो है ना रुकी नहीं है। नई दिल्ली पहुंच चुकी है अपनी ट्रेन, निर्धारित समय से 45 मिनट की देरी के साथ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन। अच्छा गाइस, वीडियो को डे वन की जर्नी यहीं पर एंड करते हैं। अभी अपनी ट्रेन जो है मथुरा आगरा
होते हुए वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी होते हुए कल सुबह भोपाल पहुंचेगी। तो मिलते हैं आपसे कल सुबह सीधे भोपाल में, जब तक के लिए। दोस्तों अपनी ट्रेन भोपाल जंक्शन पहुंच चुकी है निर्धारित समय से 35 मिनट की देरी के साथ। ट्रेन रानी कमलापति पहुंच चुकी है, जिसको बहुत से लोग हबीबगंज के नाम से भी जानते थे। और उतर क्यों नहीं रहा मालूम है, सीट से क्यों नहीं हटना हो। यहाँ पर ट्रेन के हॉर्स ज़्यादा है ना, तो यहाँ पर लोकल पैसेंजर ज़्यादा बोर्ड करते हैं, और लोग मतलब अगर सीट पर बैठ गए ना तो फिर अपना खड़ा खड़ा जाना पड़ेगा। इसके लिए मैं उतर नहीं रहता, अभी सीट छोड़ नहीं रहता। अभी अपनी ट्रेन हबीबगंज पहुँच चुकी है रानी कमलापति, निर्धारित समय से लगभग हो गया है वही 40 मिनट की देरी के साथ पहुँची है हबीबगंज रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं बढ़िया बना है स्टेशन। वहाँ पे सतरागाछी हबीबगंज हम सफर एक्सप्रेस भी खड़ी है। फिर से आगे इटारसी जंक्शन, इटारसी पहुंच चुकी अपनी ट्रेन। इटारसी स्टेशन की बात करें तो स्टेशन को हुआ ET और यहां पर अभी 8 प्लेटफॉर्म है, और अभी रोजाना यहां पर 344 ट्रेन है अगर हॉल्ट होती है, और लगभग 6 ट्रेन ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती है। इटारसी पड़ता है होशंगाबाद जिले में, और अपनी ट्रेन यहाँ पर आई 1 घंटा 35 मिनट की देरी के साथ। अभी फिलहाल निकल चुकी है इटारसी से। वो चढ़ जाता है जनरल पैसेंजर भी चढ़ जाते हैं इसमें, और TT तो रात से ही नहीं आया, टिकट चेक करेंगे। इस ट्रेन में ना टाइम टू टाइम सफाई होती है, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, ओवरटेक कर रही है कोई ट्रेन, वहां से होगी दिखेगी। ओवरटेक
ये ओवरटेक चल रहा है ट्रेन का, दिख रहा हूँ वहाँ से ओवरटेक हो रहा है। सर ट्रेन का क्रॉसिंग हो रहा है, एक ट्रेन क्रॉस करे गई थी फिर दूसरी करी गई। भुसावल जंक्शन पहुंची है अपने निर्धारित समय से 2 घंटे 10 मिनट के देरी के साथ। और भुसावल स्टेशन की बात करें तो अभी यहां पर 9 प्लेटफॉर्म है और 308 ट्रेनें आकर होल्ट होती है। और भाई क्राउड देख रहे हैं भुसावल में, वेंडर्स लोग का कितने क्राउड है देखिए। और लोकल पैसेंजरों ने ना एकदम परेशान कर दिया है, तब पूरा सुबह से भोपाल से पूरा परेशान कर दिया लोकल पैसेंजर। टाइम टू टाइम सफाई वफाई बहुत होता है, बहुत सफाई हो रहा है टाइम टू टाइम, अच्छा बात है। जल्दी नहीं दिखता मैं सब ट्रेन में। उधर आया है गोरखपुर LTT कुशीनगर एक्सप्रेस। पहले किसको छोड़ेगा, उसको छोड़ेगा कि अपने को छोड़ेगा? अपनी ट्रेन तो आके लगभग 2-3 मिनट हो गया खड़ी है। छोड़ दिया अपने वाले को छोड़ दिया। हाँ अपनी वाली ट्रेन निकल चुकी है। हो सके शायद आगे मिले या। निकल चुकी है अपनी नासिक रोड से, सोचा उतरूंगा थोड़ा। ऑफिशियल हॉल्ट तो 3 मिनट का था लेकिन ट्रेन अपनी 1 ही मिनट यहाँ पर रुकी हुई है नासिक रोड में। और यहाँ पर पहुँची है लगभग 2 घंटे 35 मिनट की देरी के साथ, लगभग कह सकते हैं 2.5 घंटे ट्रेन।
दैट्स ऑल गाइस, अपनी ट्रेन पहुंच चुकी है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस रेलवे स्टेशन जो के पड़ता है मुंबई में, और स्टेशन कोड हुआ CSMT। 48 ट्रेनें ओरिजिनेट और टर्मिनेट होती हैं। और जर्नी एक्सपीरियंस की बात करें, जर्नी एक्सपीरियंस ठीक था ट्रेन का। ट्रेन में साइड पेंट्री भी है, खाना पीना सब कुछ मिलेगा। बात करें ट्रेन की साफ़ सफाई की तो बताने की ज़रूरत है नहीं, वो तो आपके आंखों के सामने ही था। ट्रेन में साफ़ सफाई पूरी की पूरी टाइम टू टाइम हो रही थी और जर्नी एक्सपीरियंस सब कुछ सही था। लेकिन एक बात है, पंचुअलिटी ट्रेन में नहीं है। ट्रेन हमें लगभग 2 घंटे लेट पहुँचा रही है CSMT। और हॉल्ट्स बहुत ज़्यादा भाई, जनरल पैसेंजर इसमें बहुत चढ़ते हैं, लोकल पैसेंजर। अगर आप ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं तो लोकल पैसेंजर बहुत चढ़ते हैं, इसमें ध्यान रखिएगा। उनके चढ़ने से हम लोगों को दिक्कत नहीं है, बस यही है कि चढ़ के सीट पर बैठ जाते हैं ना, और ऊपर से उठने का नाम नहीं लेते हैं। बोलते हैं भाई आगे तक जाना है, एक स्टेशन बोल के वो 2-3 स्टेशन तक चल जाते हैं। यही प्रॉब्लम है बस। तो इस ट्रेन में लोकल पैसेंजर बहुत चढ़ते हैं थोड़ा, तो मतलब TT इस ट्रेन में एक बार भी नहीं आया, ना टिकट चेक करने के लिए ना ऐसे, मुझे दिखाई नहीं TT इस ट्रेन में। तो पोजीशन की बात करें तो इसमें 8 स्लीपर के कोच और 4 थर्ड AC, 1 सेकेंड AC के कोच है, फर्स्ट AC नहीं है इसमें। और फेयर की बात करें तो मैं स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहा था, मेरे को फेयर पड़ा अमृतसर से पूरा यहाँ तक का मुंबई का लगभग 750 के करीब आसपास ऐसा कुछ। तो मैंने बोर्ड किया था सोनीपत से, प्लान था अमृतसर से पूरा बोर्ड करने का, और अपनी ट्रेन मुंबई के CSMT के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर आई है। दैट्स ऑल गाइस, वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ट्रेन जर्नी में। जब तक के लिए बाय बाय।